द स्टार्ट ऑफ द टेक बबल बर्स्ट। दुनिया भर में टेक कंपनीज एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे मेटा, गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन के स्टॉक प्राइसेस पिछले 6-7 मंथ्स में 70-80% गिरे हैं एंड इन कंपनीज के एड रेवेन्यू में फॉल दिखा है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी नेगेटिव असर देखने को मिला है। इसका मेन रीजन है गूगल, मेटा, अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही हैं। हाल ही में अमेजोन ने 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है, मेटा ने 11,000, ट्विटर ने 3,500 लोगों को वर्ल्ड वाइड ले ऑफ किया है। वहीं अगर इंडियन स्टार्टअप कंपनीज की बात की जाए तो यहां भी ले ऑफ का ट्रेंड काफी ज्यादा है। बायजूस ने 2,500 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है, वेदांतु ने 600, कार्स 24 ने 600, अनअकैडमी ने 1,000 एंड ब्लिंकिट ने 2,500 एम्प्लॉयज को जॉब से ले ऑफ किया है। बट क्या कारण है कि इतनी सारी टेक कंपनीज, भले ही वो एक ग्रोइंग स्टार्टअप हो या मेटा, अमेजोन जैसी बिग प्लेयर हो, इन सबको एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा है। इस मास लेऑफ के मल्टीपल रीजंस हैं, पर इसका सबसे बड़ा रीजन है कोविड से पहले मोस्ट ऑफ द एस्टेब्लिश्ड बिग कंपनीज स्टेडी पेस से ग्रो कर रही थी, बट कोविड-19 में इन कंपनीज को जबरदस्त बूस्ट मिला एंड ये कंपनीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी, एंड बिकॉज ऑफ विच इन कंपनीज की हायरिंग भी ग्रोथ के साथ साथ बढ़ने लगी। बट जैसे जैसे कोविड पैंडेमिक का असर खत्म हुआ एंड चीजें नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने लगी हैं, तो इन कंपनीज की ग्रोथ भी कम हुई है एंड कंपनीज ने रियलाइज किया कि दे ओवर एस्टिमेटेड थिंग्स एंड जिस वजह से उन्हें ये मास ले ऑफ करने पड़ रहे हैं टू मेंटेन देयर लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एंड ये बात मेटा एंड अमेज़न जैसी कंपनीज ने एक लेटर में एक्सेप्ट भी की है। वहीं गूगल, मेटा एंड यूट्यूब के रेवेन्यू में एड्स के रेवेन्यू का बहुत मेजर रोल होता है एंड इन कंपनीज ने एक्सेप्ट किया है कि इनका एड रेवेन्यू सैचुरेट हो गया है एंड दे नीड टू चेंज थिंग्स टू बूस्ट इट अगेन। इसके अलावा रिसेशन भी एक मेजर कारण है जिसका बुरा इम्पैक्ट इन कंपनीज पर भी पड़ा है। यूएस में इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पर है, जिसकी वजह से वहां की फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसी वजह से यूएस में रिसेशन के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन गए हैं एंड एज मोस्ट ऑफ द बिग जायंट्स यूएस बेस्ड हैं, तो इसका असर उन कंपनीज पर भी पड़ रहा है। यूएस में रिसेशन, तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा एंड उसके ऊपर ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी हालत है। इसका सीधा असर इंडियन टेक स्टार्टअप्स पर भी दिख रहा है। बहुत से इंडियन टेक स्टार्टअप्स जैसे कि बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, कार्स 24 प्रॉफिटेबल भी नहीं है एंड प्राइवेट फंडेड वेंचर कैपिटलिस्ट ने इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से फंडिंग रोक दी है, जिससे इन कंपनीज की फंक्शनिंग पर नेगेटिव असर पड़ रहा है एंड अपने खर्चे कम करने के लिए ये कंपनीज भी बहुत से एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है। सो इज इट द स्टार्ट ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ द टेक बबल? ये तो टाइम बताएगा, बट ये बात पक्की है कि टेक इंडस्ट्री एक मुश्किल फेज से गुजर रही है। बहुत से मार्केट एनालिस्ट का ये कहना है कि बिग जायंट्स ऑफ द टेक इंडस्ट्री, जो कि प्रॉफिटेबल हैं एंड जिनके फंडामेंटल्स एंड बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग हैं, वो इस फेज को सर्वाइव कर लेंगे। बट फॉर लॉस मेकिंग टेक स्टार्टअप्स जिनके ऑपरेशंस प्राइवेट फंडिंग पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए देयर आर सम सीरियस कंसर्न्स जिनका उन्हें सॉल्यूशन निकालना होगा। I hope you like this video and for more such interesting information, subscribe to our YouTube channel.